जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, कोच मुद्दा सैनिटरी सेंटर बिहार से नालंदा। जैसा कि इनको एक आज खास मकसद के लिए हम आपको वीडियो बनाने से पहले इनको बता रहे हैं। अभी इनको 1600 मीटर रनिंग करा के आए हैं, आधा घंटे पहले रनिंग कराए हैं, इसके बाद इनको गोला फेंका लिए हैं। इसके बाद तुरंत जो थर्ड इवेंट चल रहा है वो है हाई जंप। हाई जंप तुरंत दौड़ने के बाद हर आदमी को दिक्कत होता है, उस दिक्कत को कैसे दूर करना है ये आपको सामने प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसमें बहुत सारे लड़के क्वालिफाई भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जस्ट आपके सामने दिखाई देगा। आप लोग अभी दौड़ लिए हैं, स्ट्रेचिंग कर लिए हैं, गोला फेंक लिए, आपका कितना इवेंट हो गया? दो। दौड़ हो गया, गोला हो गया, अब मेन हो गया आपका जो हाई जंप, जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है। आप लोग भी पोजिशन ले लीजिए और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा, रिलैक्स। क्या खड़ा रहे, कोई दिक्कत हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं। नहीं हुआ ना? थाई में जो जाम था वो थोड़ा सा, जब भी थाई में आपका जाम होता है इस प्रकार से इसको हिला लीजिए, हिला करके इसको स्ट्रेचिंग में कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। आपका जो दौड़ का दर्द, यहाँ पर जो दर्द है, इसके लिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट, आप यही खड़े रहे। नेक्स्ट आइए जी, बहुत बड़े। अब बताइए, आपके तो दर्द है हाथ पैर में, सीन पेन पूरा है? इधर आइए, देखिए सीन पेन हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि देखिए दिल की धड़कन बहुत तेज चल रहा है, लेकिन इसको काबू रखना है। एग्जामिनेशन बस आपने जो मेहनत किया है थोड़े समय के लिए, अभी आप एक बार में क्लियर कर लिए, ठीक है? अब यहाँ रहिए। नेक्स्ट थर्ड कैंडिडेट आइए। बहुत बड़ा रमेश जी, रमेश जी तो टेक्निक कम लंबाई का फायदा ज़्यादा उठाए। कोई दिक्कत हुआ रमेश जी? थोड़ा सा दिक्कत होता है, रनिंग करने के बाद थोड़ा सा ये सब है ना, पेन करता है कुछ ज़्यादा, सीन पेन भी खुल जाता है। ऐसे नॉर्मली हम टाइगर में 4-7 तक मारते थे, लेकिन जब से सीजर आया तो थोड़ा प्रेशर भी बढ़ गया है। और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा पाँव में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत दिन से छूटा हुआ था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इनका प्रॉब्लम था पहले, ये वो करते थे, क्या बोलते हैं, हनुमान जंप करते थे, 4 फीट 7 इंच करते थे, लेकिन अचानक बदलाव होने के कारण जब प्रेशर आ गया इनके माइंड में, फिर भी पहले क्या था, दौड़ने के बाद तुरंत इनसे जंप हो नहीं पाता था, लेकिन अब इनको नया प्रैक्टिस करवाए हैं, दौड़ाते हैं उसके बाद ही तुरंत हाई जंप कराते हैं। सर कम से कम 15 से 20 मिनट बोलते हैं डेली सभी को स्ट्रेच करने के लिए, बॉडी का स्ट्रेच करने से क्या होगा ना, आपका खिंचाव नहीं आएगा, थोड़ा सा जंप ज़्यादा होगा, ठीक है? थैंक यू, अब खड़े रहिए। नेक्स्ट, कम ऑन, ऊपर देखिएगा, वेरी गुड। आइए, भाई साहब बहुत डरे हुए थे, हॉस्टल में रहते हैं, परेशान रहते हैं, रात भर टेंशन रहते हैं, रतिया को 9 बजे उठ के करते रहते हैं, बोले खाना खा लिए, खाना खाने के बाद बोलना पड़ता है खाना खा लिए, लेकिन जैसा देखा आप लोगों ने, दौड़ने के बाद गोला फेंका दिए, दौड़ने के बाद क्या किया आपने? गोला फेंके, इसके बाद हाई जंप किए, आज तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन रात में बहुत दिक्कत है, हम देखे थे। चलिए थैंक यू, आइए नेक्स्ट आइए, कम ऑन जस्ट आइए आइए। हाँ, दौड़ने के बाद कोई दिक्कत हुआ सर हाई जंप में? बहुत दर्द था सर, थोड़ा नर्वस थे, बट क्लियर हुए। आइए आइए, जोर से बोलिए। दौड़ने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करने पड़ता है, बहुत पैर में दर्द हुआ था, बट उठता नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपके पास है देन यू कैन क्लियर इट। थैंक यू, वेरी गुड। आइए जी नेक्स्ट। ये भाई साहब बिहार दरोगा कैंडिडेट नहीं है, ये CPO के हैं, लेकिन इनका रगड़ा पट्टी बिहार दरोगा के साथ हो रहा है, इसलिए CPO के लिए फिट हो चुके हैं। कोई दिक्कत हो भाई जी? आपको बालू में कूदना है, गद्दा नहीं मिलेगा, फान जाएंगे ना। चलिए बहुत अच्छा, आइए आप आइए, लास्ट कैंडिडेट, कम ऑन। नहीं, ये टाइगर करते थे पहले, लेकिन अभी 2-3 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, पहले बिल्कुल कमज़ोर थे। आपका कितनी तारीख को है? दो तारीख को। आप इनको पहचान लीजिए, ये 2 तारीख को पास होकर के खड़े रहेंगे, पास होने वाले लिस्ट में रहेंगे। आपने इनको देखा, दौड़ने के बाद थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपको? हल्का दिक्कत हो रहा है ना, क्या दिक्कत हुआ, किस कारण से आप फेल हुए? दौड़ रखता। आपको 3 चांस मिलेगा, ये लोग तो 1 चांस में हो गए, 2 चांस आपके लिए और, कम ऑन ट्राई कीजिए अपना बढ़िया। इसके बाद गर्ल्स रेडी रहेंगे, थोड़ा सा कमी दो, देखिए आपका ये चीज़ जो है ना,
ये आप यहाँ पे ऐसे मोड़ रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, इसको सीधा उठाइए, इसको ये ऐसे सीधा हो जाए, कोई दिक्कत। ये देखा, सभी कैंडिडेट्स निकल गए, सिर्फ एक कैंडिडेट हमारा बाकी है। अब इसको जितना एफर्ट मेरे को नॉलेज है या जितना मुझे आता है, वो सारा कुछ करके इसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा स्टूडेंट सिर्फ 3 दिन पहले बना, पहले गांव में प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, बट इनको लगा कि अब हमको दिक्कत है, तो ये मेरे पास आए हैं। 3 दिन में ये उनको यहाँ तक लाए। 3-10 तक क्लियर है सर आपका? हाँ। आइए, कितना क्लियर हुआ अभी तक? 3-10, 4 भी होता कभी कभी, कभी कभी 4 होता है। लेकिन देखिए, आपका जो दौड़ने के बाद जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो इन पे इन्होंने पे असर दिखा आपको, कि दौड़ने के बाद अगर तुरंत आपका हाई जंप नंबर आता है तो दिक्कत होता है। इसलिए प्रैक्टिस भी इसी प्रकार से कीजिए, पहले दौड़ लीजिए, गोला फेंक लीजिए, उसके बाद हाई जंप कीजिए। एग्ज़ाम का प्रेशर आप पे कम रहेगा। अभी आपके सामने फिर लड़कियाँ हैं, लड़कियों कराएंगे, ये सब होली के बाद है। थैंक यू।